हम आपके चैनलों में डिबेट पे तो आ जाते हैं, पर अमल कितना करते हैं, अमल कितना कराते हैं, कोई नहीं कराता। जमाते ने क्या किया? आज जमाते का नाम लोगे तो कहेंगे मुसलमानों के हमला करते हैं। क्या पंजाब के अंदर निहंगों ने हमला किया था बाना पहन करके? हम बोले, दुनिया बोली, क्या ये नहीं बोलेंगे? कहां है आज इमाम साहब थारे निकल के क्यों नहीं कहते वो कौम का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, वो कुरान का दुश्मन है, वो अल्लाह का दुश्मन है? क्या कोई कहने वाला है? साहब आप खुल के बात करते हैं, आपने दो बातें उठाई हैं और ये बहुत दोनों बड़े आज के समय में बहुत समसामयिक विषय हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुरादाबाद की तस्वीर अभी भी सबके जहन में बहुत ताजा है। आपने देखा, मुरादाबाद हो या देश के कई और इलाके, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से महिलाएं तक अपने हाथों में पत्थर लेकर सफेद कोट वाले डॉक्टरों को घायल करने से, ईंटों से उन पर हमला करने से खुद को नहीं रोकती? जहां जान बचाने वाले कोरोना योद्धाओं पर, एम्बुलेंस पर, घरों की छतों से हमले किए जाते हैं। कोरोना की जमात लॉकडाउन में उत्पात क्यों कर रही है, इसके पीछे कौन सी मानसिकता है, ये हम सब जानना चाहते हैं। और खास तौर पर मुरादाबाद में जो हुआ उसके पीछे कोई अफवाह थी या कोई साजिश थी? मुरादाबाद में हमारे संवाददाता पवन नारा पहुंचे। अफवाह ये थी कि एक भाई की मौत हो गई और दूसरे ने भी कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया और अब तीसरे को बेवजह उठाने के लिए पुलिस आई है। इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा कुछ देर पहले मुरादाबाद में ठीक उसी जगह पर गए जहां कल पुलिस वालों पर, डॉक्टरों पर छतों से पथराव हुआ था। आप देखिए पवन नारा की इस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकला। अब जरा जमात का जंतर मंतर क्या है वो भी देख लीजिए। खुद एक जमाती इसे कैसे बयां करता है, आप देखेंगे कि जब एक अस्पताल के अंदर क्वारंटाइन करके रखे गए तबलीगी जमात के लोगों को समझाने के लिए, उनको फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए कहने के लिए डॉक्टरों की टीम गई, मनोचिकित्सकों की टीम गई, उनसे बात करते हुए इन लोगों ने क्या कहा, इससे आपको जमात की सारी जहनियत पता चल जाएगी। नमाज के हालत में लाइन ब्रेक पर झुकते हैं तो जो बैकबोन होती है तो ये अक्सर एक्सरसाइज में इसके साथ हो नहीं पाती, तो क्योंकि अंदर का हिस्सा है तो ये हम रुक में जाते हैं तो इसकी एक्सरसाइज होती है, बैकबोन जो बैक फ्रेम होता है तो इससे निकल जाता है और उसके अलावा सारी एक्सरसाइज इसके अंदर आ जाती है। वो पैरों को ये होता है बंदे जो हम बैठने की हालत में होते हैं नीचे, ये जो जो चीजें आप बता रहे हैं आपके फिजिकल को फेसाई है, मतलब जो आपका शरीर है उसको कहीं ना कहीं मूवमेंट में रख रहा है, हाथ है, पैर है, ये है, सारी चीजें मूवमेंट कर रही है। लंग्स को सांसों की एक्सरसाइज कोई पता है जो आपके लंग्स को आप मजबूत बनाए या ब्रीदिंग सिस्टम और अच्छे से रखे? हम जिक्र करते हैं वो एक सांस में बहुत सारे हैं, 70 मरतबा 100 मरतबा करते हैं उसमें सांस फूलता है, यही दवा कहते हैं ना अल्लाह का नाम होगा अल्लाह वाला एक सांस में, तो वो सांस को जो है सप्रेस करता है। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े हैं, सबका परिचय पहले आपसे हम करवा दें। गौरव भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं, हमारे साथ तस्लीम रहमानी जी हैं SDPI से, हमारे साथ मरिंदर जीत सिंह बिट्टा जी हैं आज ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट की भूमिका में हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं मौलाना सैयदुल कादरी कादरिया इंटरनेशनल से और अतीकुर रहमान साहब भी मुंबई से हमारे साथ हैं, आप भी जाने माने स्कॉलर हैं, आप सब लोगों का स्वागत है। मेटर पहुंचता है वहां पर हेल्थ वर्कर पहुंचता है, किस बात का डर है? कोरोना फैला हुआ है, बचाने के लिए आया है, डॉक्टर कैसे खतरा हो सकता है? बिट्टा साहब क्या कहना चाहते हैं इस पर? एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, पंजाब की अगर उदाहरण कहूंगा कहेंगे सिख की बात करता, मैं यही हमेशा कहता हूं मेरा धर्म भारत माँ मेरी जात वंदे मातरम। आप देखिए पटियाला के अंदर निहंग सिंह के रूप ने कुछ लोगों ने आकर के एक पुलिस वाले जवान का हाथ काट दिया, पूरी दुनिया के अंदर बैठा हुआ सिख समाज, पूरे हिंदुस्तान में बैठा हुआ हिंदुस्तान के अंदर समाज ने क्या कहा, निंदा की, और एक घंटे के अंदर अंदर पंजाब पुलिस ने बहादुरी दिखा करके अंदर से फायरिंग हुई ला करके उनकी क्या किया, अब बताऊं क्या किया, पंजाबी में कहते छित्तर परेड। अब छित्तर परेड इनको समझनी पड़ेगी छित्तर परेड क्या होती है और छित्तर के ऊपर क्या लिखा रहा, बुरा ना मानना आन मिलो सजना, और सुबह जब कोर्ट में ले गए तो उनसे चला नहीं जा रहा था। ये पंजाब पुलिस ने, ये पंजाब की सरकार ने, ये पंजाब के अकाल तख्त साहब ने, जथेदार ने हुक्म किया हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई
उनके घर में खाना हर गांव में पहुंचना चाहिए और कानून की धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए। पंजाब में आप देख लीजिए, अमन शांति के साथ लोग घरों में हैं, अकाल तख्त साहब के जथेदार का हुक्म मानते हैं। शहनाज पूनावाला ने कितनी अच्छी बातें कही, आपके सामने असूल की बात कही। अरे हमारी कौम में से कोई व्यक्ति निकलेंगे, कोई मौलाना साहब निकलेंगे, कोई शाही इमाम निकलेंगे, कोई निकल के करके कहेंगे अरे मानवता के साथ खिलवाड़ मत करो। इस बीमारी के अंदर जब ये फैलता है, हिंदू भी मुसलमान भी सिख भी ईसाई इस लपेट में जाएगा। जनाब हम आपके चैनलों में डिबेट पे तो आ जाते हैं, पर अमल कितना करते हैं, अमल कितना कराते हैं, कोई नहीं कराता। जमाते ने क्या किया? आज जमाते का नाम लोगे तो कहेंगे मुसलमानों के हमला करते हैं। क्या पंजाब के अंदर निहंगों ने हमला किया था बाना पहन करके? हम बोले, दुनिया बोली, क्या ये नहीं बोलेंगे? कहां है आज इमाम साहब सारे निकल के क्यों नहीं कहते वो कौम का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, वो कुरान का दुश्मन है, वो अल्लाह का दुश्मन है? क्या कोई कहने वाला है? कितने महीने से आपकी बात सुन रहे हैं, कोई एक तो निकले। आज सलमान खान निकला, अब शाहरुख खान निकले और निकले, निकल के इन लोगों को कहे क्यों सुरक्षा की जरूरत पड़े। पूछिए कभी कभी गाजियाबाद के अंदर औरतों के सामने, नर्सों के सामने कपड़े उतार देते हैं, इंदौर के अंदर डॉक्टरों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हमला करते हैं, अब कहीं पत्थर फेंके जाते हैं, मुरादाबाद के अंदर डॉक्टरों के ऊपर मारने तक चले गए। अगर डॉक्टर ही हमसे दूर चले गए तो मानवता की रक्षा कौन करेगा? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की रक्षा कौन करेगा? ठीक बात है सर, मुसलमानों में ये लोग बांटना चाहते हैं। साहब आप खुल के बात करते हैं, आपने दो बातें उठाई हैं और ये बहुत दोनों बड़े आज के समय में बहुत समसामयिक विषय हैं, बहुत रेलेवेंट है। जमात का नाम लेते हैं तो कहते हैं मामला कम्युनल हो जाएगा, जबकि दुनिया कह रही है जमात ने कितने मामलों को कितने मामले फैलाए। आप जब बोल रहे थे बिट्टा साहब, कुछ कहना चाह रहे थे बिट्टा साहब, फिर शहजाद आपके पास आता हूं, बिट्टा साहब रिस्पॉन्ड कर ले फिर आपके पास बोलिए। बिट्टा जी लगाया था पहले अखबार में कत्ल का मुकदमा, पहले चुप कराइए बोलिए आप, इनके बात को कम कीजिए, बोलिए। बैस में मैं बैस में नहीं बोला किसी में, मुझे एक चीज बताइए, जब पंजाब के अंदर आतंकवाद या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का कत्लेआम हो रहा था, हमारे जैसे लोग सुरक्षा गार्ड भी होते थे दिल्ली में, चनक्यापुरी में बंद कर दिया जाता था, वेरिफिकेशन करते थे कि हम कहीं आतंकवादी तो नहीं। चंद लोगों ने पंजाब में बेगुनाहों का कत्लेआम किया, पूरी दुनिया में सिख कौम बदनाम कर दी। आज बड़ी मुश्किल से हमने सिख कौम को फिर एक उजागर करने की कोशिश किया। इनके ये टीवी पे बैठ के रोज बहस करते हैं, कहां इनके धर्मगुरु, कहां इनके लीडर, यहां के ये बहस करते हैं। मैं बता दूं इनको, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, मेरे ये असूल है जनाब, इनमें को कहने को तैयार है, बोले को क्या तैयार है? मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। ये लोग अफवाहें लोग फैलाते हैं, सारे हिंदुस्तान के, दुनिया के मुसलमानों को ये उनका उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जबकि हिंदुस्तान का सारा मुसलमान ऐसा नहीं है। वो फूल भी फेंकता है, वो पैरों पे भी फूल फेंकता है, वो खाना भी खिलाता है, पर ये चंद लोग, ये टीवी पे बैठने वाले, ये नेतागिरी करते हैं, ये धर्म को बदनाम करते हैं। मैं भी मिसाल आपके सामने हूँ, सरदार हूँ पर बात असूल की करता हूं। अगर पटियाला में सरदार गलत था तो उसके खिलाफ गलत बोले, कोई मेरे पे शक नहीं कर सकता। पर ये लोग, धर्मगुरु कहां है आज? कहां है धर्मगुरु? है कोई? अगर आपका कोई धर्मगुरु निकलता, ऐलान करता कि डॉक्टरों के ऊपर हमला करने वाले को कौम से निकाल दिया जाएगा, अरे टीवी पे कहना बड़ा आसान है, हमने निंदा की है, हमने ये, अरे कितने सुनी आपकी निंदा भैया, ऐलान करके उसके ऊपर अमल करो। अमल नहीं है तो निंदा का कोई मकसद नहीं है। याद रखिए, हिंदू हिंदू की बात करेगा, मुसलमान मुसलमान की बात करेगा, सिख सिख की बात करेगा, तो मानवता को कौन बचाएगा? वो जो लोग घरों में बैठे हुए बंद अपने बच्चों के साथ, उनकी हालत देखो, किसी पे के लिए खाने के लिए रोटी नहीं, कोई बीमार है और हम टेलीविजन पे बहस करने आ रहे हैं? असूल की बात करो, या जमाते के लोग हो या कोई हो, हिंदू हो मुसलमान। बिट्टा साहब हम तो ये कहते हैं कि वो दिन अगर आ गया तो सोचिए क्या होगा, कैसी कयामत होगी जिस दिन ये डॉक्टर जो है ये लोगों के घर जाकर बचाने से मना कर देंगे।
जिस दिन बदनाम करते हो आप, जिस दिन डॉक्टर ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम नहीं जाएंगे बचाने के लिए, उस दिन क्या होगा? कौम का गद्दार, हमने सुना एक, पर आज हमें भारतीय ओके सर ठीक एक मिनट कहने को तैयार है। आप बार बार कह रहे हैं कहां है धर्मगुरु, कहां है कम्युनिटी के सीनियर लीडर आकर के बोलते कुछ क्यों नहीं? शहजाद इनको पता नहीं है, शहजाद अरे ये पंजाब के लुधियाना, हम लोग एक मिनट शहजाद पूनावाला आवास के वास्ते अरे हिंदू घरों में बैठे हुए अच्छा बिट्टा साहब एक मिनट मेहमानी जी और बिट्टा साहब एक मिनट, शहजाद कुछ कह रहे हैं, शहजाद बोल रहे हैं, शहजाद बोलिए आप। ये रोज लाके माहौल खराब करते हैं। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ये मैं आ रहा हूँ दोबारा, आग लगा दी, काहे का बुलाना है, इसका पता कीजिए, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे ISI है, इसके पीछे पाकिस्तान है, अब इनको तकलीफ होगी, पूछिए, इस देश को तबाही की तरफ ले गए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को मानव बम की तरफ ले गए ये लोग, काहे का मुलाना, ये बंद कीजिए इज्जत से नाम लेना इसका, ये मानव अच्छा जी एक मिनट आप घर में बैठ गया, साहब से भी तो पूछे, घर में बैठ गया, चुप गया, ये कितनी देर तक चलता रहेगा तमाशा? लोगों पे तर्स पाओ, कुछ शर्म करें हम लोग। समय इतना ही था, आप सब लोगों का शुक्रिया करूंगा, जब भी कोई ऐसी तस्वीर आती है सर शर्म से सबका झुकता है, जरूरत एक ही है, ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिले कि वो एक मिसाल बने, एक नजीर बने, दोबारा कभी किसी हेल्थ वर्कर पर, किसी डॉक्टर पर, किसी एम्बुलेंस पर, किसी पुलिस वाले पर, किसी प्रशासन के आदमी पर जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, हाथ उठाने से पहले दिमाग में 100 बार सजा का खौफ आए।